हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाया से चौहान ब्लॉग। और गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ बना रही हूँ दाल फ्राई। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, आधा चम्मच जीरा, साथ में मैंने 3 लाल वाली सूखी मिर्च डाला है। और इधर पका रही हूँ मैं परवल, जिसकी बनाऊंगी मैं चटनी, परवल यानी कि पटल। और इधर जैसे ही हो जाता है जीरा और मिर्ची, तो इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छी तरह से। और जैसे ही प्याज हो जाएगी तो उसमें टमाटर डाल देंगे। तब तक क्या करते हैं कि टमाटर को फटाफट से कट कर लेते हैं। और परवल हो गया है, मतलब अच्छी तरह से पक गया है, तो उसकी बनाएंगे चटनी। तो अभी ठंडा होने के लिए रखे हैं फ्रेंड। और यहाँ पे मैं टमाटर को कट कर लेती हूँ और छोटे छोटे पीसेस में कट किए हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा ना बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं। और साथ में मैं क्या करूँगी, टमाटर कट करने के बाद कि आटे को गूंद कर तैयार कर लूँगी। और इधर प्याज को भी चला देती हूँ साथ में, क्योंकि वो हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, किधर से ज़्यादा ना पके, इसलिए उसे बीच बीच में चलाते रहूँगी। और मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ और मैंने यहाँ पे 4 कप आटा लिया है। और ऐसे तो 2 कप में हमारे हो जाते हैं, लेकिन घर में अभी हमारे फैमिली मेम्बर आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 कप यहाँ आटा गूंद रही हूँ और साथ में मैं प्याज को चलाते रहूँगी। और प्याज यहाँ पे हो गया है फ्रेंड, तो इसमें डाल देते हैं टमाटर को कट करके जो रखे थे, साथ में ही डाल देंगे हम नमक, ताकि जो टमाटर है वो फटाफट से गल के जल्दी से पक जाए। और अच्छा रहता है फ्रेंड कि नमक टमाटर को साथ डालते हैं तो पानी छोड़ता है और अच्छी तरह से टमाटर पक जाता है। तो इसे मिक्स करके क्या करेंगे कि ढक देंगे और 2 मिनट पकने देंगे, तब तक आटा को भी गूंद लेंगे। क्योंकि अभी मैं आटा गूंद ही रही हूँ, साथ में इधर टमाटर प्याज को भी पका रही हूँ, तो आटा को भी फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ और अच्छी तरह से इसे गूंदूँगी। फ्रेंड, मैं थोड़ा सा आटा को गूंदने में टाइम देती हूँ ताकि रोटियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट और नरम बने, इसलिए तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगभग अब गूंद लिया है, बस इसे लास्ट टचअप देना बाकी है। तो उसके बाद इसे रख दूंगी 10 मिनट के लिए ढककर और इसे रेस्ट करने दूंगी। अब मैं यहाँ पे टमाटर को देख लेती हूँ, तो लगभग टमाटर हो चुका है फ्रेंड, तो इसे थोड़ा सा मिक्स करके 1 मिनट के लिए और ढक के रख दूंगी। और इधर मैं क्या करती हूँ कि चटनी के लिए मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे मिर्ची डाली हूँ और लहसुन, साथ में अब यहाँ पे कुंदरी को कट कर लेंगे। और आपके यहाँ पे कुंदरी को क्या बोला जाता है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फटाफट से कुंदरी को कट कर लेंगे। और ये मैं दोपहर की खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं सुबह ही तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह से करके रखा रहता है तो दोपहर में बनाने में भी आसान हो जाता है। और यहाँ पे मैं देख लेती हूँ टमाटर को, तो बस ये हो गया है और इसमें अब डालते हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच डालेंगे किचन किंग मसाला और इसे कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और फ्रेंड, इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, तो अभी फ़िलहाल मैंने नहीं डाला, इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर को भी ऐड कर देती हूँ और इसे 1 मिनट के लिए भून लूँगी। इसमें पाउडर मसाला का यूज़ किया फ्रेंड, तो ये जल जाती है, इसलिए एकदम धीमी आँच रखेंगे और धीमी आँच पे ही भुनेंगे। साथ में ही मैंने जो भी मसाले की बर्नी निकाली थी उसे भी रख दिया है, ताकि फटाफट से काम हो जाए। और बहुत ज़्यादा काम को मैं फैला के नहीं रखती हूँ फ्रेंड, फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मसाले हो गए हैं, तो मैंने पहले से चना दाल को उबाल कर रखा था, उसे इसमें डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसे 1 मिनट पका लेंगे फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए दाल के साथ। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी का आप यूज़ अपने हिसाब से रखें कि आप कितना गाढ़ा दाल फ्राई खाना पसंद करते हैं या फिर पतला। तो बस इसे ढककर उबाल आने के लिए पकने देते हैं फ्रेंड। तो फिर जैसे उबाल इसमें आएगा तो इसे फिर एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और फिर वापस से ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इसे कर देती हूँ मैं अच्छी तरह से मिक्स और ये हो गया फ्रेंड। अब इसे मैं ढक देती हूँ और 4 से 5 मिनट के लिए पका दूंगी। तो मैंने यहाँ पे कुंदरी को कट कर लिया, अब मैं जाती हूँ चटनी को पीसने। तो फ्रेंड, मैंने चटनी पीस के साइड में वहाँ पर रख दी है ढक के, और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। फ्रेंड, मैं रोटी इसलिए बना ले रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भी स्कूल जाना है और उसको लंच भी देना है। और फ्रेंड, मैं ज़्यादातर रोटी पराठे वगैरह ही बना के अपने बेटे को देती हूँ, फ्रूट्स भी देती हूँ और ड्राई फ्रूट्स भी देती हूँ साथ में छोटे से टिफ़िन में अलग से, लेकिन हाँ रोटी मैं ज़रूर देती हूँ ताकि बच्चे कुछ खा ले और उनका पेट भरा रहे और हेल्दी खाना खाए।
तो फटाफट से पहले अपने बच्चों और अपने हस्बैंड का नाश्ता को बना के रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद लंच भी रेडी कर लूँगी। और फ्रेंड, रोटियाँ खाने में घर में ही अच्छे लगते हैं, और अच्छा लगता है गर्म गर्म खाने में ही। और मेरी जो रोटियाँ है लगभग थोड़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि वो छोटी बनाओ आप तो भी वो एक ही रोटी खाएंगे, बड़ी बनाओ आप एक ही रोटी खाएंगे। इसलिए मैं थोड़ी बड़े साइज़ की रोटी बनाती हूँ ताकि मेरा बेटा अच्छी तरह से खा ले और उसका पेट भरा रहे। तो फटाफट से रोटियों को भी बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। अभी मैंने नहीं नहाया है, पहले सबका लंच और नाश्ता बना दूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो इधर रोटी लगभग हो चुकी है तो इसे पलट कर मैं सेक लेती हूँ। और फ्रेंड, मैं रोटियां को हमेशा तवे पे ही फुलाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड डायरेक्ट गैस में पकाकर खाना नहीं चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा रोटी को कभी भी पकाती हूँ तो उसे तवा पर ही फुला देती हूँ, और अच्छी तरह से फुल भी जाता है फ्रेंड। इसे फुलाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और ये फिर हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, डायरेक्ट गैस में नहीं पकाते हैं हम। और फ्रेंड, मेरी दो चूल्हे की जो बर्नर है वो ख़राब हो गई है, गैस चूल्हे की बर्नर, तो इस वजह से मुझे एक ही जो चूल्हा है उस पे ही सारा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। और ऐसे पहले जब तीनों सही थे तो मैं फटाफट से 1 घंटे भी मुझे नहीं लगते थे, 40 से 45 मिनट में मैं सारा नाश्ता लंच वगैरह सारा सब कुछ बना के रेडी कर लेती थी। लेकिन अभी दो बर्नर ख़राब हैं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है बनाने में। और ये देखिए दूसरी रोटी भी हो गई है, और ये भी एकदम फुली फुली रोटी बनेगी फ्रेंड। तो आप इस तरह से आप रोटी को फुला सकते हैं, आपको डायरेक्ट गैस पे पकाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये देखिए रोटी एकदम मस्त फुली फुली है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है रोटियों का, क्योंकि मैं हमेशा से गेहूं को पिसा देती हूँ मिल में और उसके बाद ही रोटियां बनाती हूँ। और फ्रेंड, मैं नहा वहाँ कर आ गई हूँ और सब कोई नाश्ता घर में कर लिए हैं, तो मैं अब जो नाश्ते का बर्तन है वो भी साथ में साफ़ कर लूँगी फटाफट से। और फ्रेंड, मैंने अभी बालों में कॉम नहीं किया है, क्योंकि सारे काम को निपटा लूँगी उसके बाद मैं अपने बालों में कॉम कर लूँगी और फिर मैं अपनी बेटी के साथ खेलूँगी और उसके पास साथ में टाइम दूंगी, क्योंकि बच्चों लोग को टाइम देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि बच्चों लोग को अभी ही सबसे ज़्यादा गाइड का ज़रूरत पड़ता है। और मेरी जो बेटी है बहुत ज़्यादा छोटी है, इसलिए मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ, उससे बातें कर लेती हूँ। तो जो भी काम होते हैं मैं वो पहले निपटा लेती हूँ और उसके बाद आराम से फ्री होकर अपनी बेटी को टाइम देती हूँ। और फ्रेंड, मैं बर्तन को अभी धोकर पानी से ऊपर ही रखूँगी, अभी उसके जगह पे सेट नहीं करूँगी, ताकि जो भी बर्तन के पानी है वो सूख जाएंगे, उसके बाद बर्तन को सेट कर दूँगी जहाँ पे वो रहते हैं। और फ्रेंड, क्या करूँगी कि जब बर्तन मैं धो लूँगी तो साथ में ही सिंक की भी सफाई कर दूँगी और जो भी नल है उसे भी साफ़ कर दूँगी, और फटाफट से जहाँ पे मैंने धोया है बर्तन उसे भी क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद मैं सुबह का जो मॉर्निंग का काम होता है उसे मुझे फिर छुट्टी मिल जाएगी और उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ खेलूँगी। तो फ्रेंड, आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।